को भी देख लीजिए। और उस साइड में जो दर्शक है भैया, थोड़ा गेंद को खेल निकालने में मदद कीजिए, हमारे कमेटी के जितने भी मेंबर वॉलंटियर है और दर्शक, थोड़ा गेंद को खोज निकालकर जल्द ग्राउंड के अंदर पहुंचा दीजिए आप प्लीज। और गेम को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि खेल आज काफी विलंब से शुरू हुआ है, 1:10 पर गेम शुरू हुआ था, 20 ओवर का मैच है। अंपायर साहब आप देखिए गेंद खेलने लायक है तो उससे कंटिन्यू कराइए गेम। हेलो हेलो, उस क्षेत्र में जो भी दर्शक है थोड़ा गेंद को खोज निकालने में मदद कीजिए भैया। ना ना लाइव नहीं चल रहा है, रोहित शर्मा कॉल कर रहा था, कर दिया था कॉल उसे। कमिटी का कोई भी एक टीम मेंबर वेस्ट गोलने के क्षेत्र में आप तैनात रहेंगे ताकि गेंद को ग्राउंड के अंदर पहुंचाने में कोई दुश्वारी ना हो। निश्चित तौर पर इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार मुकुल, नाहिद के लिए पिछली गेंद पर एक शानदार छक्का गिरा था। और इसमें अरुज को उछाल दिया, पार्टी मैच को पार कदम चुंबे छक्का, निश्चित तौर पर काफी खतरनाक रंग में दिखाई दे रहे हैं नाहिद। निश्चित तौर पर गेंद की चमक को कहीं ना कहीं खासतौर पर सचिन तेंदुलकर जाने जाते हैं उसी अंदाज में यह छक्का निकलता हुआ नाहिद के बल्ले से। और बॉल में परिवर्तन और आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए माइक्रोफोन पर शुभम, गेंदबाजी कर रहे हैं अंशु मिश्रा। यहां मार के इशारा कर रहा वाइड बॉल गुड्डू कुमार, हाय अतिरिक्त के सारे स्कोर में जफर स्कोर कहिए गुड्डू कुमार 71 रन पारी करने वाला बल्कि पर। और आगे का आपको कहा सुनाएंगे एक बेहतरीन आवाज के मालिक साथी कमेंटेटर सुमन दिया, धन्यवाद प्रियांशु जी। राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ अब तमाम दर्शकों के बीच, एक तरफ है सिवान की टीम और दूसरी तरफ है छपरा की टीम। टॉस शेयर कर दीजिए गुड भाई, तो देखकर बल्लेबाजी चल रही है, सॉरी गेंदबाजी चल रही है सिवान की, वही बल्लेबाजी के लिए आमंत्रण मिला है छपरा को। छपरा की स्थिति अभी कहा जाए तो छपरा की टीम बैकफुट पर नजर आ रही है,
वहीं फ्रंट फुट पर नजर आ रही है सिवान की टीम। अच्छी गेंदबाजी चल रही है अंशु मिश्रा की, लेफ्ट हैंड राउंड देखे अच्छी गेंद थी, पैरों पे हुई गेंद को खेल दिया है मिडविकेट के क्षेत्र में। शुभम कर गेंद को फील्ड कर लिया आसानी के साथ, एक रन पूरा कर लिया गया इस एक रन के सहारे। छपरा टीम का स्कोर 72, 5 विकेट के नुकसान पे। और नाहिद के पास हैट्रिक छक्के का अवसर है, हैट्रिक छक्के पे 500 रुपए का पुरस्कार श्री कृष्णा प्रसाद की तरफ से दिया जाएगा। हैट्रिक का मौका है और 500 रुपया मिलेगा नाहिद को अगर हैट्रिक छक्का लगाते हैं। लेकिन अंशु मिश्रा की गेंद पे हैट्रिक छक्का लगाना आसान नहीं होगा नाहिद के लिए। चलिए लेफ्ट हैंड ओवर ले अच्छी गेंद है, गेंद को कवर मारने से यहां कर दिया है 6 रनों के लिए और हैट्रिक लगा है नाहिद ने लगाया है और 500 रुपया पाया है श्री कृष्णा प्रसाद जी का। हैट्रिक पे 500 रुपए का पुरस्कार पाया है नाहिद ने इस छक्के के सहारे। छपरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन। जी हाँ, इनामों की बौछार होती हुई श्री कृष्णा प्रसाद जी की तरफ से और नए कमेंटेटर प्रियांशु श्रीवास्तव अपने सभी कमेटी मेंबर्स की तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि श्री कृष्णा प्रसाद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने हमारे खिलाड़ी का काफी हौसला अफजाई किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद गुड्डू भाई। इस बार सूचित करने का प्रयास बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, बल्ले और गेंद की मुलाकात बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 7 गेंदों पे 20 रनों की पारी चल रही है नाहिद की और नाहिद इसी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। छपरा के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में इनका शुमार है नाहिद का। नाहिद का जब बल्ला चलता है तो अच्छी क्लास करते हैं सभी गेंदबाजों की। चलेंगे इस ओवर में अगली बार अंशु मिश्रा फिर से लेफ्ट करने का प्रयास लेकिन बल्ले और गेंद का मुलाकात नहीं, रन की कोई बात नहीं है। 6 विकेट कीपर है 10 नंबर की जर्सी वाले करते रहिए भाई लोग। छपरा बनाम सिवान के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला हो रहा है 78 रन बसंतपुर। 5 बल्लेबाज पवेलियन में 4 दस्तक कर रहे हैं छपरा के। 5 बल्लेबाज छपरा का 5 विकेट गिर चुका है और आधी टीम गंवा चुकी है आधे बल्लेबाज है। अभी नाहिद और मोइन बल्लेबाजी कर रहे हैं। चलिए इस ओवर में अंशु मिश्रा लेफ्ट हैंड ओवर विकेट एम्पायर अध्यक्ष को क्रॉस करते हुए सचिन गेंद इस बार गेंद जड़े की हुई गेंदबाजी की इस पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को निकाला। 12 नंबर के जर्सी वाले खिलाड़ी ने बॉल को फील्ड किया तब तक दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ एक रन पूरे कर लिए। इस एक रन के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 89 ओवर की समाप्ति। अंशु मिश्रा का इस ओवर में जाना चाहूंगा अपने साथी स्कोरर सचिन जी से। 8 रन दिया है इस ओवर में 9 ओवर में सिवान की तरफ से। इस ओवर में जितने छक्के लगेंगे प्रत्येक छक्के का 500 रुपये कीमत है, एक छक्का 500 रुपये का है। जितना छक्का लगाइए 500 रुपये का नया नोट ले जाइए, पुराना नोट तो बंद हो चुका है। जी हाँ, बहुत बड़ा घोषणा हो रही है इनामों की बारिश। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कृष्ण प्रसाद जी का खिलाड़ी का हौसला अफजाई करने के लिए। एक छक्के पर 500 रुपए का इनाम। जी हाँ, चलो 69 नंबर के जर्सी वाले विशाल 10वें ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं सिवान की तरफ से और प्रत्येक छक्के की कीमत 500 रुपए जो लगाया है श्री कृष्णा प्रसाद श्रीमती उमा देवी पति श्री कृष्णा प्रसाद जी की तरफ से पुरस्कार पुरस्कार के लिए धन्यवाद। प्रत्येक छक्के की कीमत नाहिद है 500, लगाइए छक्के 500 पाइए। और विशाल है गेंदबाज शायद संभवतः अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं। राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। मेरी पैर की भूमिका विद्वान सर अभी दिखाई दे रहे हैं, स्क्वायर ले गए इन पैर की भूमिका में राजेश सर तीसरे पैनल के पैर के राजेश सर विशाल अपने स्केल के तीसरे ओवर से तैयार हमसे दूर जाते हुए इस ओवर में अगली बार इस बार गेंद को पैडल स्विच करने के अंदाज में कलक के स्टार्ट में बॉल को फील्ड किया गया बगैर किसी रन के। गेंद और बल्ले की विशेष मुलाकात नहीं हुई और जब तक गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं होगी रन की कोई बात नहीं होगी। बरहाल टीम का स्कोर छपरा का रुका हुआ 79 रन 5 बल्लेबाज चैलेंज का कर रहे हैं पवेलियन में। चलेंगे राउंड द विकेट के ओवर में अगली बार विशाल संभवतः पिछले का तीसरा ओवर पारी का 10 ओवर डाल रहे हैं हमसे दूर जाते हुए इस ओवर में अगली बार नाहिद के लिए कीपर के साथ
दो खिलाड़ी इस बार जड़ में की हुई गेंदबाजी गिरकर लड़की गेंद को खूबसूरत करपट बाहर गेंद आ रही है माइनस लॉन्ग के क्षेत्र में 12 नंबर की जर्सी उन्होंने बॉल को फील्ड किया दोनों खिलाड़ियों ने एसआर के साथ एक रन पूरे कर लिए इस एक रन के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 80 पांच बल्लेबाज के आउट होने के बाद पारी का 10वां ओवर चल रहा है विशाल अपने स्केल का दूसरा और पारी का 10वां ओवर डाल रहे हैं सिवान की तरफ से 69 नंबर की जर्सी वाले विशाल और 7 नंबर की जर्सी वाले लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज अंशु मिश्रा बहुत अच्छे खिलाड़ी है अंशु मिश्रा चलेगी इस ओवर में विशाल गजेंद्र प्रसाद के मुद्दे टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका पहला सेमीफाइनल मुकाबला चलता हुआ बसंतपुर के हाई स्कूल के ग्राउंड में 88 ग्राउंड में चलेगी विशाल इस ओवर अगली बार राउंड द विकेट हमसे दूर जाते हुए अच्छी गेंद को लॉक कर दिया है वापस से सीधे स्टेट बाउंड्री का तीर कमान छक्का पाया है तीर कमान चलाया गेंद लगाती हुई एयर इंडिया की फ्लाइट से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर छक्के के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ और छक्का 500 रुपए में मिलेगा उनको श्री मदी उमावेदी पति श्री कृष्णा प्रसाद जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा मैच समापन के बाद इस छक्के पर 500 रुपए कमाया मोहित छक्के पर 500 रुपया है इस ओवर में अपर हाथ के लिए और दोनों हाथों से अपर को घुमाया है मोहित खाने इस ओवर में की बात चलेगी भी साथ छक्का खाने के बाद रांची के दी और इस ओवर बाहर की गेंद को देखा और कभी भी स्टाइल में गेंद को जाने दिया 18 नंबर के जर्सी वाले विकेट कीपर के पास अच्छा गेंद किया विकेट कीपर ने बगैर किसी रन के टीम का स्कोर अभी भी रुका हुआ 86 रन 5 बल्लेबाज के आउट होने के बाद जबकि पारी का 10वां ओवर प्रगति पर है विशाल इस ओवर में छक्का खा चुके हैं और छक्का खाने के बाद कमबैक करना आसान नहीं होता है गेंदबाजों को बहरहाल इस ओवर में चलेगी हमसे दूर जाते हुए 69 नंबर के जर्सी विशाल कमेंट्री छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं ऐसा वाला चीज अजीबो गरीब स्टाइल में गेंद को निकाला है डीप स्क्वायर लेकर छक्कर में जब तक गली के खिलाड़ी जब तक स्क्वायर लेकर छक्कर से जाकर बॉल को फील्ड करे दोनों खिलाड़ियों ने आसानी के साथ एक रन पूरे कर लिए इस एक रन के सहारे टीम छपरा का स्कोर बढ़ता हुआ 87 रन 5 बल्लेबाज शायद ऐसा कर रहे हैं चलेंगे 87 रन 5 विकेट के नुकसान पे छपरा टीम का स्कोर आउट हो चुके हैं पोलार्ड आउट हो चुके हैं कमल किशोर आउट हो चुके हैं गोलू आर्डिये संदीप आरिफ और स्ट्राइक पे है नहीं इस ओवर में पहली बार स्ट्राइक लेंगे नहीं विशाल होंगे के मारो नत्ता नंबर के जर्सी वाले रैकेट राउंड द विकेट विजवास को क्रॉस करते हुए इस समान शॉट पर ब्लेंड के खूबसूरत प्लान से पॉइंट बॉल लेकर पिन जा रही है बैक गुड पॉइंट बॉल लेकर बाहर गेंद चक दंडराती हुई गोली की रफ्तार से गेंद को बाहर कर दिया है बैकवर्ड पॉइंट बॉल लेकर बाहर गेंद दंडराती हुई चौका इस चौके के सहारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ छपरा का 91 रन 5 बल्लेबाज चाइनीज तक 5 विकेट के नुकसान पे छपरा टीम का स्कोर 91 रन 5 विकेट के नुकसान पे छपरा टीम का स्कोर दस ओवर की समाप्ति 5 विकेट के नुकसान पे अब 2 नंबर की जर्सी रवीश के दबाव आए हैं रफ्तार के सौदागर रवीश 2 नंबर की जर्सी काफी तेज गेंदबाजी करते हैं रवीश सिवान की तरफ से हमारे कमेंट्री छोर से गेंदबाजी संबोधन रवीश ही आएंगे 2 नंबर की जर्सी वाले 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 91 रन छपरा टीम का स्कोर 5 बल्लेबाज के आउट होने के बाद टॉस जीतकर गेंदबाजी चल रही है सिवान की और आमंत्रण मिला है छपरा को छपरा का शुरुआत कहा जा सकता है अच्छा नहीं रहा पहले ही ओवर में कमल किशोर को प्रमोट किया गया था ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा गया था लेकिन यह भी जो प्रयास था वो असफल रहा और कमल किशोर ने कितने रन बनाए हैं 0 रन खाता भी नहीं खोला हमारे साथी जो कमेंटेटर है सचिन जी को बिना परेशान किए हुए कमल किशोर पेवेलियन में चले गए हैं और 4 भी खिलाड़ी बाकी आउट हुए हैं सब में एक प्रतिस्पर्धा थी किसी ने 7 रन को क्रॉस नहीं किया है सभी बल्लेबाज बाकी जो 4 आउट हुए हैं सबने 7-7 रन बनाए हैं किसी ने दोहरे अंक में प्रवेश नहीं किया काफी खराब शुरुआत कहा जा सकता है छपरा द्वारा लेकिन मिडिल में जब बल्लेबाजी आई नहीद की जब बल्लेबाजी आई मोइन खान की तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि छपरा को संभाला है अब हमारे मुख्य अतिथि किसी कारणवश किसी समय किसी काम के चलते हमसे विदा ले रहे हैं उन लोगों ने अपना सब बहुमूल्य समय दिया अंचल अधिकारी महोदय श्री सुनील कुमार जी हमसे विदा ले रहे हैं उन्होंने अपना बहुत बहुमूल्य समय दिया इसके लिए हमारी कमेटी और मैं कमेटी सुमन कुमार पांडे उनका सदा आभारी रहूंगा इस तरह से हमसे विदा ले रहे हैं अंचल अधिकारी महोदय 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है
एक सम्मानजनक स्कोर की तरफ बढ़ रही है छपरा की टीम। 150 रन अगर बना दे पहली बल्लेबाजी करती हुई टीम तो चेस करना इस फील्ड पे आसान नहीं होगा। पहले मैच में दूसरे लीग मुकाबले में 147 का स्कोर खड़ा किया था छपरा की टीम ने, उसको चेस करती हुई गोपालगंज की टीम मात्र 74 पे ऑल आउट हो गई। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि 150 का स्कोर अगर खड़ा कर दिया जाए इस पिच पे तो चीज करना आसान नहीं होगा। आप अपने भी अच्छे बल्लेबाज को टीम में क्यों ना हो, आसान नहीं होगा इस पिच पे चेस करना। अगर 150 के आसपास अगर बना दिया जाए तो काफी सम्मानजनक स्कोर होगा इस फील्ड पे। बहरहाल 91 रन बना चुकी है गेंदबाजी करना छपरा। 5 विकेट के नुकसान पे जबकि 232 समाप्ति हो चुकी है 11 ओवर और अपने इस खेल का पहला ओवर लेकर हमारे कमेटी छोर से करेंगे 2 नंबर के जर्सी वाले रवीश। और अभी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान जनता सिंह श्रीमती उमा देवी पति श्री कृष्णा प्रसाद जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और हमसे विदा लेते हुए अधिकारी महोदय श्री सुनील कुमार जी, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलेगी अभी इस 2 नंबर की जर्सी वाले इस बार अच्छी गेंद गेंद उछाल लेती हुई गेंद का स्लीप के स्थान में 7 नंबर की जर्सी वाले छठे विकेट मोइन खान का विकेट गिरता हुआ छठे विकेट का पतन रवीश की पहली गेंद पर मोइन खान आउट हो चुके हैं। तमाम छठे विकेट के रूप में मोइन पवेलियन जा रहे हैं, निराश कदमों से पवेलियन की दूरी कम करेंगे और एक और व्यक्ति का नाम जुड़ेगा 10 ओवर में 91 रन जा रहे हैं छठे विकेट के रूप में मोइन। शेयर कर दीजिए भाई लोग, टीम के कैप्टन है मोइन अली, हल्के हल्के निराश कदमों से जा रहे हैं मोइन खान। मोइन खान रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आ रहा है, नाम अपना रखा है उस बल्लेबाज ने काला डॉन, काला डॉन का आगमन हुआ है और ब्लैक कोबरा उनका आगमन हुआ है। रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने आ रहे हैं, जी हाँ बल्लेबाजी में आ चुके हैं, काला डॉन अभी नहीं आए हैं, ये रोहित शर्मा है जी, हमें पहचान और भली बात है, हमारे काफी अच्छे मित्र हैं, सॉरी रोहित है सुमन भी है कोई नहीं, काला डॉन अभी भी अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, रोहित शर्मा आए हैं बल्लेबाजी के लिए। रवीश को पहले ही ओवर में सफलता मिली है और पहले ओवर में जब सफलता मिलती है तो हौसला जो है सातवें आसमान पे होता है। गुंजन खत्री हाय चलिए रवीश कर रहा हूं ओवर द विकेट पर नजर को परस्त करते हुए इस राशि गेंद लेंगे छोटी गेंद को हल्के बल्ले से क्लास कर दिया है, गेंद आ रही है गली के क्षेत्र में जब तक सॉरी बाई के रूप में रन जुटता हुआ, रन कैसे भी आए किसी भी विभाग से आए मायने नहीं रखता, रन आना चाहिए किस विभाग से आते हैं मायने नहीं रखता है। इस अतिरिक्त के सहारे छपरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ शाहनवाज अहमद सिवान के नुकसान के खिलाड़ी हैं भाई अंशु मिश्रा राज खान उत्पल सिंह अविनाश प्रताप और इस बल्लेबाजी के लिए जाने नहीं जाते हैं खेल राहुल सैफ चलेगी सुपर रवीश अच्छी गेंद सवार शॉट का प्लेयर गेंद को ड्राइव कर दिया है बैक टू द बॉलर, जब तक रवीश बॉल को फील्ड करे आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने आंखों में इशारा हो गया, रन बनाने का बहाना हो गया। इस एक रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन 6 विकेट के नुकसान पे जबकि पारी का गया ओवर चल रहा है। चलेंगे रवीश इस ओवर में अगली बार, काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं रवीश, 2 नंबर के जर्सी वाले रवीश रफ्तार के सौदा रहे हैं, लगभग 30 यार्ड सर्कल के पास से गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंद इस बार ग्राउंड टू ग्राउंड शॉट को निकला है ठीक एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में, जब तक एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करे आसानी के साथ दोनों खिलाड़ियों ने। रोहित शर्मा और नाहिद बल्लेबाजी कर रहे हैं, इस ओवर की पहली गेंद पे मोइन खान का विकेट गिरा था। पिछली गेंद पे छक्का लगाया है नाहिद ने। बढ़िया
अरमान खान भी इसी टीम में थे, पिछला मैच में अरमान खान खेले थे, इस मैच में नहीं आए हैं खेलने। शहनवाज अहमद आज के मैच में अरमान खान नहीं आए हैं, सरफराज खान हैं रन आउट के रूप में। रोहित शर्मा का विकेट गिरता हुआ, अब बल्लेबाजी करने आए हैं काला डॉन। ये वही काला डॉन है जो कल एक ओवर में 42 रन बनाए हैं कहीं पे। अंशु मिश्रा आए हैं गेंदबाजी करने, साफ दिख रहा है ना भाई लोग, बताइएगा कमेंट करके कैसा दिख रहा है, साफ दिख रहा है ना। छह विकेट गिर चुका है छपरा टीम का। पारी का बनाओ प्रतिपर बल्लेबाजी के लिए आ चुके हैं मैदान के बीचों बीच ब्लैक कोबरा उर्फ काला डॉन, पूरी तरह से बांध के रखा है काला डॉन को अंशु मिश्रा ने, लाजवाब गेंदबाजी काला डॉन के खिलाफ अंशु मिश्रा का। चलेंगे अंशु मिश्रा अगली गेंद के साथ काला डॉन के लिए, इस बार फिर से बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन इस बार कलाई के सारे ऑफसाइड में धकेला, इस बार एक अंपायर के ठीक बगल से जब तक गेंद को फील किया जाए खाता खुलता हुआ गार्डन उर्फ मिथिलेश का। कल बहुत ही जबरदस्त एक छोटी पारी लेकिन तेज तरार पारी खेली है काला डॉन ने अपने पिछले मैच में जो कल खेला था इन्होंने, आज भी चाहेंगे 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 12 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 102 रन 7 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर से मैं कमेंटेटर प्रियांशु श्रीवास्तव आज इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में आपको देखा सुनाने के लिए आप सभी दर्शकों उपस्थित हो चुका हूँ। फिर से हमारे साथ कमेंट्री में मौजूद है हमारे साथी कमेंटेटर जेडी भाई, सुमन भाई, रवीश आए हैं गेंदबाजी करने, रवीश पिछले ओवर में एक विकेट लिए हैं पहली गेंद पे, मोइन खान का विकेट लिए थे रवीश। आज के मैच के मुख्य अतिथि उमा देवी के पति श्री
कृषभ भाटिया और बहुत ही अच्छी गेंद जबरदस्त गेंद रवीश के द्वारा यॉर्कर लेग की गेंद और काला डॉन के खिलाफ एक स्ट्रेटजी है शायद सिवान के बल्ले गेंदबाजों की। सिवान के गेंदबाज काला डॉन को कोई मौका नहीं दे रहे हैं नंबर हटाने का। जड़ में गेंदबाजी क्या सटीक यॉर्कर गेंद आ रहे हैं अंशु मिश्रा और रवीश। पारी का 13वां ओवर लेकर आए हैं रवीश। सामना करेंगे मिथिलेश उर्फ काला डॉन ब्लैक कोबरा और इस बार काला डॉन के बल्ले से निकलता हुआ ये खूबसूरत छक्का। हमारे साथी कमेंटेटर इस सारण जिले के एक बेहतरीन कमेंटेटर अमरजीत भैया ने इनका प्यार से नाम काला डॉन रखा है ब्लैक कोबरा उर्फ काला डॉन मिथिलेश फ्लिक करके यहाँ पे छक्का चाहेंगे इस ओवर में ज्यादा ज्यादा रन बनाना जाए क्योंकि पिछला ओवर बहुत अच्छा ओवर घटा था अंशु मिश्रा का। इस बार लंबा हट लगाने का प्रयास घुटने को टेका था गेंद को भेजना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं बाकी काम विकेट कीपर ने पूरा किया। रोहित शर्मा कुछ खास कमाल नहीं कर पाए रन आउट होकर निराश होकर पवेलियन में। रवीश फिर से तैयार होके राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स के तरफ से दोनों सुर के अंपायर को पार करते हुए काला डॉन के लिए इस बार गेंद को खिलाया कवर्स के क्षेत्र में जब तक गेंद अविनाश बाबा के द्वारा फील्ड किया जाए। एक रन पूरा करेंगे दोनों बल्लेबाज इस रन से स्कोर में इजाफा स्कोर तक पहुंचा 109 रन 109 रन 7 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके हैं छपरा की टीम। अमरीश 11 छपरा बना बाबा सिवान के बीच 7 विकेट के नुकसान पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट के ग्रुप ए का पहला सेमीफाइनल मुकाबला और कल से ग्रुप बी का मैच स्टार्ट हो जाएगा और ग्रुप बी में चार टीमें मोतिहारी मुजफ्फरपुर वैशाली और सुधांशु 11 सिवान ये चार टीमें भिड़ेंगी ग्रुप बी में। पहला मैच सुधांशु 11 सिवान बनाम मोतिहारी के बीच कल खेला जाएगा। बहुत ही अच्छी गेंद जबरदस्त गेंदबाजी रवीश के द्वारा छकाया पूरी तरह से बल्लेबाज नाहिद को। अभी तक नाहिद ने क्या लाजवाब बल्लेबाजी किया है जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन नाहिद के द्वारा अभी तक देखने को मिला इस पहले सेमीफाइनल मुकाबले में। इस बार फिर से लॉफ्ट करने का प्रयास था चुके पूरी तरह से। रवीश के बारे में बता दूं काफी सीनियर खिलाड़ी है काफी वरिष्ठ खिलाड़ी है काफी मैचों का अनुभव है रवीश के पास और एक जबरदस्त ऑलराउंडर खिलाड़ी है। हमारे कुसरिया हाई स्कूल के ग्राउंड पर अपने खेल का जोर दिखा चुके हैं रवीश। ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति के बाद छपरा का स्कोर है 109 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो अब पहली पारी में मात्र 7 ओवर का खेल शेष बचा है यानी 42 गेंदों का और खेल शेष और बचे हुए 42 गेंदों में और कितना रन बना पाती है छपरा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल गेंदबाजी में आ चुके हैं मुकुल पहली गेंद के साथ काला डॉन के लिए और इस बार गेंद हवा में उसके नीचे गेंद काफी बहुत ऊपर गया था बहुत तेज हवा में थी खिलाड़ी सोच रहे थे कौन से खिलाड़ी कैच के लिए जाएंगे तो तीन खिलाड़ी गेंदबाज चाहते तो इसको आसानी से कैसे लपक सकते थे काफी वक्त था मुकुल के पास लेकिन नो मैन्स लैंड काला डॉन को जीवन दान मिलता हुआ यहाँ पे जीवन दान मिलता हुआ एक तरह से कहे तो काला डॉन को चलेंगे फिर से मुकुल अगली गेंद के साथ काला डॉन को बहुत ही अच्छी गेंद काला डॉन के खिलाफ लगता है बाबा शाकर सिवान के गेंदबाजों की यही रणनीति है जड़ में मारिए गेंद ये और कब लाजवाब गेंदबाजी की है अभी तक काला डॉन के खिलाफ बाबा शाकर सिवान के गेंदबाजों ने। चलेंगे फिर से इस ओवर में अगली बार और इस बार हल्के बल्ले से
लॉन्ग आउट के क्षेत्र में ड्राइव किया, उसके पीछे बिहार टेनिस बॉल के बाहुबली कहे जाने वाले सरफराज खान मौजूद। गेंद को फील्ड कर एक रन लेने का मौका, इस एक रन से स्कोर में जाफा स्कोर तक पहुंचा 110 रन 60 विकेट के नुकसान पर पारी का 14 ओवर प्रति पर 110 रन 14 ओवर के विकेट के हिसाब से तैयार होंगे मुकुल सामना करेंगे नहीं इस बार अच्छी गेंद हल्के बल्ले ड्राइव किया कवच के क्षेत्र में वहां पर कप्तान साहब मौजूद जब तक गेंद को फील्ड करें कोई रन नहीं स्कोर रुका हुआ 110 रन बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिली है बाबा स्ट्राइकर सिवान के गेंदबाजों के द्वारा जिसमें मुकुल अपने स्पेल का तीसरा ओवर डाल रहे हैं और इस बार लॉन्ग आपके ऊपर से जी हाँ आपका अभिमान के सर के ऊपर से गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर से नाहिद ने हेलो लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जितने भी दर्शक हैं आप लोग वहां से आ जाइए भैया पीछे आइएगा आप लोग पीछे हो गए थोड़ा बाउंड्री से 6 रन से इसको जा पहुंचा 116 रन चलेंगे फिर से मुकुल नाहिद के लिए और इस बार नाहिद ने गेंद को निकाला है वन इस लॉन्ग ऑफ बॉडी से छक्का लगा दिया है नाहिद ने लाजवाब बल्लेबाजी नाहिद के द्वारा छपरा की तरफ से नाहिद बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं अभी 44 रन पर अर्धशतक से अपने 6 रन दोनों ओवर की समाप्ति 44 रन बनाकर खेल रहे हैं समाप्ति के बाद नाहिद और मोइन को छोड़ दिया अमरीश तक एलेवन बल्लेबाजी ने अच्छी बल्लेबाजी नहीं की 120 सात विकेट के नुकसान पर यानी अब 6 ओवर का खेल शेष 36 गेंदों का खेल शेष रवि साय हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर लेकर 20 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जी हां थोड़ा खेल दिया है नाहिद ने इस ग्राउंड पर लाजवाब बल्लेबाजी जिसमें शानदार 5 छक्के लगाए हैं और 2 चौके स्ट्राइक पे काला डॉट रन लेने की कोई संभावना नहीं सुजीत भाई थोड़ा सा स्ट्रेंथ को पीछे ही रखिए ज्यादा फायदा रहेगा ट्राइपॉड तो टकरा गए थे अंशु मिश्रा हालांकि खिलाड़ी भी सुरक्षित और ट्राइपॉड भी सुरक्षित है पूरी तरह से और इस बार काला डॉट के बल्ले से गेंद निकलती हुई थर्ड में मामले से बाहर 4 हालांकि गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर विकेट कीपर को चटाते हुए थी थर्ड बॉल से बाहर 4 रन के लिए 4 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 124 रन 124 सात विकेट के नुकसान पर पारी का 15वां ओवर प्रति पर रवीश फिर से तैयार होकर कमेंट्री बॉक्स से इस ओवर में अगली बार राइट आर्म ओवर द विकेट मिथिलेश के लिए चलेंगे रवीश अगली गेंद लेकर और इस बार काफी ऊंचा लंबा से गेंद हवा में उसके नीचे सुमा रहे हैं कोई गलती नहीं करेंगे जरा होगा पवेलियन एक काला डॉट के विकेट का पतन होता हुआ 8वां छक्का लगता हुआ छपरा टीम को 8 विकेट गिर चुका है छपरा टीम 124 रनों के योग पर 8वां विकेट का पतन होता हुआ जबकि पारी का 15वां ओवर प्रति पर एक जबरदस्त कैच लपका शुभम ने कल मैं बता दूं शुभम मैं गया था समस्तीपुर फाइनल मैच में कमेंट्री करने वहां पे शुभम ने आदि निर्भर की टीम से खेल रहे थे और क्या लाजवाब बल्लेबाजी की उन्होंने 22 गेंदों में 46 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुभम के द्वारा देखने को मिला था और उसी मैच में बिहार टेनिस बॉल के नंबर 1 ऑलराउंडर कहे जाने वाले रवि सिंह ने क्या लाजवाब ऑलआउट प्रदर्शन किया रन बनाए और 2 विकेट लिए थे और अपने टीम को फाइनल मैच जिताने में काफी अहम योगदान दिया था शुभम ने और साथ ही साथ सिवान यहां से कितना स्कोर बिहार पाता है छपरा टीम का नंबर 1 बाकी के कहे जाने वाले अरबाज खान ये 3 खिलाड़ी ने कल समा बांध दिया था पूसा समस्तीपुर हाई स्कूल पर और अपने टीम को फाइनल जिताया था और नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं मिथिलेश का स्थान लेने के लिए सुनील सुनील सुनील
इस मैच में पहली बार सामना करेंगे, तैयार होंगे गेंदबाजी में रवीश अगली गेंद के साथ। अच्छी गेंद हल्के बल्ले से ऑफसाइड पर चला जाता गेंद को फील्ड करें, कोई रन नहीं, स्कोर है रुका हुआ 124 रन, 8 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट सुरक्षित अभी भी छपरा के पास, जबकि इस ओवर के बाद भी 5 ओवर का खेल शेष पहली पारी में, पारी का 15वां ओवर प्रगति पर। चलेंगे रवीश फिर से इस ओवर में, अगली बार सामना करेंगे सुनील। बात अच्छी गेंद टप्पा खाने के साथ अंदर की तरफ आती हुई, खेलने का प्रयास खिलाड़ी के शरीर से जाकर गेंद टकराई, कोई रन नहीं, स्कोर भी रुका हुआ 124 रन, 8 विकेट के नुकसान पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल टी20 क्रिकेट टूर्नामेंट का ग्रुप बी का पहला, इस टूर्नामेंट का तीसरा लीग मैच देखना ना भूले, मोतिहारी बना सुधांशु एलेवन सिवान के बीच। सिवान जिले की 2 टीमें इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही है, क्योंकि सिवान में क्रिकेट को भगवान की तरह पूजा जाता है, छपरा सिवान गोपालगंज। अगर पूरे बिहार अगर कहें क्रिकेटर सबसे ज्यादा अगर पूरे बिहार में अगर भरे पड़े हैं अच्छे अच्छे क्रिकेटर, तो वो सिवान में, उसके बाद गोपालगंज और छपरा, यानी पूरे सारण प्रमंडल में कहीं ना कहीं भरे पड़े हैं क्रिकेटर, इसी का नतीजा। और सबसे बड़ी बात कि सिवान जिले में इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा सिवान के खिलाड़ियों को मौका मिलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सिवान में ये टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्रिकेटर सिवान में हैं, यही सोच सुजीत सिंह राजपूत की जितनी तारीफ करें कम, क्योंकि सिवान में अगर ये टूर्नामेंट हो रहा है तो सिवान के खिलाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलना चाहिए। इसी वजह से 2 टीमें गठन की गई सिवान की, और सबसे खासियत इस टूर्नामेंट की जो एंट्री है वो फ्री है, यानी आजकल टूर्नामेंट में एंट्री फ्री दिया जाता है, लेकिन ये फ्री एंट्री टूर्नामेंट है, एक सराहनीय कदम सुजीत सिंह राजपूत के द्वारा, और उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं रंजीत प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, जिन्होंने सुजीत सिंह राजपूत को पूरा सपोर्ट दिया है इस टूर्नामेंट को कराने में। चलेंगे फिर से, नहीं जे देखेला गेंद हवा में उसके नीचे आता बिहार, कैच ड्रॉप होता हुआ, गेंद की लाइन में सही से नहीं आ पाए, अगर गेंद की लाइन को पिक करते अगर उसके नीचे सही से आते तो जरूर लग सकते थे, आफताब के द्वारा नाहिद का गेंद उनके हाथ से लग चुकी है, एक मौका कहा जा सकता है, आफताब रेहान ने गवाया है, नाहिद रन लेने का प्रयास भी नहीं किया, नाहिद ने तो स्कोर है 124 रन, 8 विकेट के नुकसान पर पारी का 16वां ओवर प्रगति पर। चलेंगे फिर से इस ओवर में, अगली बार गेंदबाज विशाल नाहिद के लिए, इस बार नाहिद फिर से लंबा हिट लगाने का प्रयास कर चुके, बाकी का विकेट कीपर ने पूरा किया, विकेट कीपर उत्कर्ष काफी जबरदस्त विकेट कीपिंग का नजारा दिखाते हुए इस बसंतपुर हाई स्कूल के क्रीड़ा मैदान में लाजवाब क्षेत्र रक्षण का नमूना दिखाया अभी तक उत्कर्ष ने। चलेंगे फिर से विशाल, अंपायर के साथ आता हुआ वाइड बॉल कॉल, आज का जो मैन ऑफ द मैच है, जो भी विजेता खिलाड़ी होंगे उनको बायोलॉजी क्लासेस जिसके डायरेक्टर दिनेश सर, उनके हाथों से आज का मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। चलेंगे फिर से विशाल नाहिद के लिए, और इसे
और छोटी गेंद छोटा प्लेट गेंद गेंद को भेजा मिड विकेट के ऊपर से छह रन के इसी के साथ 50 पर होता हुआ नाहिद का बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करेंगे नाहिद जी। हां एक लाजवाब बल्लेबाजी थोड़ा खोल दिया है बसंतपुर नाहिद ने इस मैदान पर लाजवाब बल्लेबाजी कर लिया है 23 गेंद से 50 रन 200 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट काफी अच्छी बल्लेबाजी छपरा के तरफ से अभी नाहिद के द्वारा काफी लंबा छक्का लगाया था अभी और मैं बता दूं कि नाहिद जो इस सीजन के इस टूर्नामेंट के पहले अर्धशतक धारी बने हैं। जी हाँ 50 रन लाजवाब बल्लेबाजी 53 रनों के लिए ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 24 गेंद में सामना किया है 53 रन बना। अच्छा माफ करेंगे 50 रन ही है टोटल अभी और एक रन आउट की अपील की जा रही है देखना है अंपायर का क्या निर्णय आता है अपील में साफ ज्यादा देखना है विश्वास कितना है अंपायर के इशारे की अभी भी प्रतीक्षा रहेगी। मेन अंपायर रिद्वान सर से हम जानना चाहेंगे क्या डिसीजन आया है नॉट आउट जी हाँ एक रन आउट की अपील की गई थी लेकिन काफी सही निर्णय आता हुआ अंपायर का नॉट आउट करार दिया है। डिसीजन पेंडिंग है माफ करेंगे नॉट आउट दिया गया है अभी शायद मुझे समझने में परेशानी हालांकि डिसीजन वही आया है नॉट आउट नहीं आया है जी हाँ नॉट आउट नहीं डिसीजन आया है तो फिर से अपने गेंदबाजी मार्ग पर तैयार होंगे विशाल 16 ओवर बन गए अपनी गेंद के साथ सामना करेंगे बल्लेबाज सुबीर जी हाँ आज का जो मैन ऑफ द मैच है वो बायोलॉजी क्लासेस बाय दिनेश सर जिनके द्वारा बायोलॉजी क्लासेस रन किया जाता है और इस बार गेंद हवा में सुबह का एक अच्छा प्रयास लेकिन अच्छा शॉट सुनील कुटर के द्वारा कवर के ऊपर अच्छा लगा दिया है ओवर की समाप्ति 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचता है 138 रन 16 ओवर की समाप्ति हो चुकी है 16 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 138 रन और 8 विकेट गवा चुकी है अमरीश ने बल छपरा 17वें ओवर की शुरुआत हो रही है गेंदबाजी में रवि आ रहे हैं और कमेंट्री बॉक्स में तब्दीली का वक्त है आगे का जो 4 ओवर का और खेल बचा है मात्र 24 गेंद इस 24 गेंदों में क्या कुछ होगा साथी कमेंटेटर गेंदबाजी करने हैं नाहिद सामना करेंगे हेलो बहुत बहुत धन्यवाद काफी धूप है रवि जो कि काफी खूबसूरत गेंद कमर की उछाल की गेंद काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए और उतना ही खूबसूरत बल्लेबाजी का नजारा नाहिद के द्वारा जो कि एक काफी अपने टीम को काफी जोर शोर से संभालकर एक अच्छे स्कोर बोर्ड की तरफ लेकर जाते हुए राइट हैंडर बैट्समैन नाहिद रवि चले ओवर द विकेट फॉर द नाहिद और एक काफी से आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास लेकिन गुड लाइन ऑफ की बॉल लंबा हिट करना चाह रहे थे लेकिन
गेंद जाकर सभी से फिलहाल डॉट बॉल किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं। स्कोर 138 रन 8 विकेट के नुकसान पर फिलहाल 17वां ओवर चलता हुआ रवीश के द्वारा। एक बार फिर चलेंगे ओवर करेंगे। इस बार काफी बेहतरीन शॉट लॉब के क्षेत्र में उठाकर खेला सीमा रेखा से बाहर सीधे छह रन के लिए। तो काफी बेहतरीन तरीके से एक बेहतर परफॉर्मेंस आपने टीम के लिए आप तक देते हुए ना ही जो कि राइट हैंडर बैट्समैन और स्टूडेंट भाई लोग अर्धशतक भी लगा चुके हैं आज इनके बल्ले से एक एक खूबसूरत शॉट हर दिशा में लगभग। शुरुआती दौर में जिस प्रकार से छक्के मिले बीच में मध्य क्रम के बल्लेबाजी के द्वारा काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस एक अच्छे स्कोर तरफ की तरफ अग्रसर। इसी बीच अगले गेंद के साथ पुनः अच्छी गेंद अच्छा बैकअप करते हुए गेंदबाज रवीश एक बार फिर से बता दें आज का यह पहला सेमीफाइनल मुकाबला सिवान बनाम छपरा के बीच जिसमें सिवान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। शुरुआती क्रम में काफी छक्के भी मिले छपरा टीम को लेकिन अच्छा बैकअप यहां पर कहा जाएगा और सबसे खूबसूरत बल्लेबाजी नहीं दिलवा नहीं जो कि अर्धशतक लगाकर अभी भी क्रीज में मौजूद रवि चले ऊपर तभी के क्रॉस एम पाए और इस बार हवा में है गेंद ऊपर गई है बॉल का खेल मौजूद है का साथ साथ है इस लब का एक बेहतरीन छक्का हुआ नहीं जो कि अपने टीम के लिए काफी अग्रसर काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर वापस पवेलियन लौटते हुए और टीम को लगने वाली नौवां छक्का 144 रन के स्कोर पर और इस प्रकार से लगभग अंतिम जोड़ी मैदान पर। एक बार फिर से बता दें इस मैच के ब्रॉडकास्टर हैं और आज का मैन ऑफ द मैच अवार्ड को दिया जाएगा बायोलॉजी क्लासेस भाई दिनेश सर जो कि हमारे परम मित्र हैं बसंतपुर भगवान मदारपुर और कुलवा इंचार्ज का इनका बायोलॉजी क्लास का ब्रांच चलता है दिनेश सर के द्वारा और आज का मैन ऑफ द मैच उन्हीं के द्वारा नवाजित किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे अन्य जो सहयोगीगण हैं जिनके द्वारा यह टूर्नामेंट ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है फिटजी क्लासेस भाई आशुतोष मिश्रा सर जहां पर हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कराया जाता है एसएससी बैंक बिहार पुलिस एसएससी एमटीएस रेलवे बसंतपुर रुद्र मेडिकल हॉल ऑर्थो केयर बसंतपुर मां सालिका कॉम्प्लेक्स स्टेट बैंक के पास डॉक्टर खुर्शीद आलम डॉक्टर इमरान खुर्शीद कप्तान अमरीश और इस प्रकार से आखिरी जोड़ी मैदान पर इस प्रकार से नाहिद का स्थान ले रहा है अमरीश। तो अमरीश और सुनील की जोड़ी मैदान पर अमरीश स्ट्राइक का कार्यभार संभालेंगे और रवीश जो कि काफी चतुर गेंदबाज इन्होंने अब तक इसी बीच अगली गेंद ओवर देंगे डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति इस प्रकार से 17 ओवर समाप्ति के बाद 144 रन 9 विकेट के नुकसान पर यह है छपरा टीम का स्कोर। जिस प्रकार से कल के मैच में देखा जाए तो प्रीवियस लीग मैच में भी लगभग 147 रन बनाई थी छपरा की टीम और आज भी लगभग वही स्कोर नजर आता हुआ लेकिन अभी भी ओवर शेष। साथ ही साथ हमारे कई मीडिया प्रभाग कई मीडिया पत्रकार भी हमारे बीच मौजूद हमारे मुख्य आयोजक जो इस टूर्नामेंट के हैं रंजीत प्रसाद भाजपा प्रमंडल अध्यक्ष और आयोजक सुजीत सिंह राजपूत साथ में हमारे अन्य सहयोगी पीयूष प्याहू पुष्पेंद्र बाबा हमारे जो कि परम मित्र साथ ही साथ तलवार विवेक जी आदरणीय क्षमा कीजिएगा आज के अंपायर जो है रिजवान सर और राजेश सर फिलहाल लेफ्ट हैंडर बॉलर बैट्समैन लेफ्ट हैंडर बैट्समैन सुनील स्ट्राइक पर होंगे और गेंदबाजी के लिए
मुकुल इस बार बल्लेबाज से दूर रखते हुए ऑफ स्टंप की तरफ काफी बाहर गए, उछाल पर ही शॉट अपने गए लेकिन बल्ले और गेंद के कोई संपर्क नहीं। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए मुकुल अगली गेंद के साथ लंबे रन के साथ राउंड द विकेट क्रॉस द एम्पायर फॉर द बैट्समैन। वन सेकेंड द सेम बॉल बट वाइड बॉल आउट ऑफ द ऑफ स्टंप से काफी बाहर गए। पुनः उसी लाइन और नहीं पे गेंद करने का प्रयास लेकिन थोड़ा सा अपने लाइन से बट गए और गेंद एक अतिरिक्त रन जरूर मिलेगा इसी बीच अगली गेंद के साथ। पुनः एक और उछाल पर गेंद, एक और घुटने की बॉल काफी बेहतरीन बैकअप अंतिम जोड़ी मैदान पर सुनील और साथ में अमरीश। सुनील जो कि स्ट्राइकर सुनील के लिए मुकुल चले दूसरा अंपायर और इस बार बल्ले का एज जरूर है और वापस पवेलियन लौटते हुए इसी के साथ 146 रन का टारगेट छपरा की टीम सिवान के ऑल आउट होती हुई मात्र 145 रनों पर। 145 रन का स्कोर खड़ा किया है यहाँ पर छपरा ने सिवान के लिए 146 रनों का टारगेट और जितना जल्द हो सके लंच ब्रेक करके हमारे जो साथी हैं आप फील्डिंग का चित्रक्षण का आयोजन करेंगे और जो हमारे लाइव के एक बार फिर से बता दें जिनका आईडी है आ रहे हैं प्रियांशु श्रीवास्तव लाइव चल रहे हैं कहिए काफी ज्यादा संख्या में दर्शक आए हुए फाइनल स्कोर थोड़ा अपडेट कर दीजिए। अब मैं कर ले रहा हूँ फाइनल स्कोर अपडेट एक बार मैं कर दे रहा हूँ 146 रन का टारगेट है 145 रन बनाकर छपरा की टीम ऑल आउट हो गई। आपको डिटेल्स बता दें साथ ही साथ मीडिया प्रभात दैनिक भास्कर